आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। तो नमस्कार, मैं हूं निशांत गौतम, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kmasnews.com। सोशल मीडिया पर देखने के लिए टाइप करें के मास। पुरानी रंजिश को लेकर दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज कोतवाली फूलपुर दीदारगंज थाना क्षेत्र के गद्दोपुर निवासी और मोहम्मद पुत्र अब्दुल हसन के ऊपर किया गया जानलेवा हमला। और मोहम्मद ने बताया कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा गद्दोपुर में अपने घर के सामने गेहूं के खेत में सरसों व घास उखाड़ रहे थे कि अचानक कुछ लोग पीछे से लाठी और डंडे लोहे की राड से धारदार हथियार से हमला कर दिए और मोहम्मद के ऊपर हमला किया गया तो जोर से चिल्लाने लगा और अचानक आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को देख हमलावर भाग निकले। हमले से और मोहम्मद को गंभीर रूप से चोटें आई और मोहम्मद पर हमला करने वाले उन्हीं के घर के बगल जाहिद हुसैन उर्फ आदिल, अंसार हुसैन उर्फ राजम या एडवोकेट इफ्तिकार हुसैन उर्फ छोटका भाई हैं। ये तीनों अपनी दबंगई और वकालत के दम पर लोगों को डरा धमका कर रखते हैं। जानकारी के मुताबिक इनका झगड़ा कई वर्षों से चल रहा था और एडवोकेट इफ्तिकार हुसैन उर्फ छोटका भाई पुत्र सिराज हुसैन इन तीनों लोगों को किसी का गांव में बनता नहीं है। आए दिन लड़ाई झगड़ा और मारपीट आम बात है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। और मामला पुरानी रंजिश थी, उसी बारे में मारे हो, धारदार हथियार भी था, क्या नाम के जाहिर हुसैन थे, इफ्तिकार थे और क्या नाम है इनका इफ्तिकार, पिता का नाम सिराज हुसैन है। हम अपने खेत के बगल में थे, अपने खेत में बाजू में हरेली उखाड़ रहे थे। जी काम कर रहे थे, वही बकरी खाती हरेली उखाड़ रहे थे। ये लोग पीछे से आए, वार कर दिए, सीधा हमला कर दिए। अरे चोट तो बहुत आई है, देखिए ये आगे दो जगह ये टूट गया हाथ हमारा, ये हमारे चाकू डर डर हथियार से ये लगी है, घुटने में लगी है, देखिए इधर सब लगी है, ये साइड भी लगी है, थूना भी देख लें। हथियार में चाकू को था सर, कुछ ऐसा ही था, तभी ने इतना घायल किया। तो आपको मामला मतलब थाने गए, FIR लिए वो लोग फिर वहाँ भेजे हमको, क्या नाम के मटीर का जो हम लोग का वो है वो रेफर किए आजमगढ़ के लिए। आज तो अतवार है, आज बंद है जी, कल हम जाएंगे आजमगढ़ सदर में, जांच कराएंगे पूरी। कहाँ ले गई पुलिस? आई थी, ये लोग भाग गए, दो बार आ चुकी है पुलिस जी। नहीं, और ये लोग मनमानी करते हैं, जिसको चाहे उसको मार देते हैं। और 5 मुकदमा हमारे ऊपर फर्जी भी किए हैं, 308 का भी 2 मुकदमा किए हैं, नेपाल को भी मारे हैं। ये लोग बहुत मनमानी कर रहे हैं। हमारी राय है इनकी जो हकीकत हो करे, सब लोग करिए, आप लोग ऐसा गलत क्यों कर रहे हैं? जिसको चाहे उसको मार दे। प्रशासन तो फिलहाल साथ दे ही रहा है हमारा, दिया FIR फौरन लिए हो लिखे वो लोग, फौरन हमको भेजे मटीन गए जी। हाँ हाँ, प्रशासन का यही वो है हमारा, वो उन लोग को आदेश किया जाए, कार्रवाई कानूनी किया जाए उनके साथ, जिसको चाहे उसको मार देते हैं लोग, मनमानी करते हैं जी। मनबर नंगे भी है, वकील भी है, वकालत भी करते हैं जी। एक इफ्तिकार वकालत है, वकालत करते हैं आजमगढ़ कोर्ट में जी। जी मेन मकसद वही है, वकील की वजह से मनमानी करते हैं, वहाँ हड़ताल मचा देते हैं।